ये लगा दिया मैंने 5 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड लॉकी में। अरे चेतन बेटा सुन, एक काम कर, घर जा और मेरे लिए रोटी पानी लेके आ जा। पापा आज मैं नहीं जा रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही। अरे एक चमाट लगेगा तो घोड़े की तरह उछल उछल के जाएगा, चल जा। क्या ये 10 साल की उम्र में 60 साल के बुढ़े की तरह करता है। अंकल हाँ, ये लॉकी दे दीजिए। ये वाली? हाँ जी। कितने की है? मैडम माफ कीजिए, मैं तो ये लॉकी पहले ही बेच चुका हूँ, एक साहब एडवांस दे के गए हैं। अरे भैया आप ये वाली लॉकी मुझे दे दीजिए, उनको कोई और सी दे देना। नहीं मैडम, वो क्या है ना कि इस लॉकी में डंटी नहीं है और साहब को बिना डंटी वाला लॉकी चाहिए, इसलिए ये लॉकी मैं आपको नहीं दे सकता। आप एक काम करो ना, आप मुझसे इसके 50 रुपए की जगह 500 रुपए ले लो और आप इसकी जगह उनको दूसरी लॉकी दे देना डंडी तोड़कर। मैडम सवाल 500 रुपए का नहीं है, सवाल है जुबान का, और साहब पहले ही पैसा दे चुके हैं तो मैं उनके साथ छल कपट नहीं कर सकता ना। भैया आप एक काम करिए ना, आप इसकी मुझसे 5000 रुपए ले लीजिए। नहीं मैडम, देखिए 5000 में भी ये लॉकी नहीं दूंगा, वो साहब आते ही होंगे तो उन्हीं से आप बात करके ले लेना लॉकी। अरे और अब क्या करूं? भैया आप एक काम करिए ना, मैं आपको इसके पूरे 20000 रुपए दूंगी, तब तो आप मुझे लॉकी दे देंगे ना। देखिए मैडम सवाल 20000 का नहीं है, आप 20000 क्या 20 लाख भी दोगे ना तब भी ये लॉकी मैं नहीं दूंगा, वो साहब आते होंगे उन्हीं से आप ले लेना। अरे भैया दे दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है, मेरी फ्लाइट भी है, मुझे लेट हो रहा है। देखो ये लो साहब आ ही गए, अब साहब से ही उनका लॉकी आप ले लो। क्या बात होगी गोपाल जी? अरे आप देखिए साहब, ये मैडम जी तब से आपका लौकी मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बेच चुका हूँ, तब भी जिद पे आ रही है कि उनको यही लौकी चाहिए। अरे नहीं नहीं मैडम, ये लौकी तो मैं आपको किसी हालत में नहीं दे सकता, देख नहीं रही हो, बिना डंडी वाली लौकी है ये, मेरी गैस की समस्या इसी लौकी से दूर होगी। आप प्लीज समझिए मुझे बहुत इमरजेंसी है, अगर मेरे को इतनी इमरजेंसी नहीं होती तो मैं नहीं बोलती। मैंने इन भैया से भी कहा है आपको दूसरी लौकी दे दे, पर ये है कि मानने को राजी नहीं है। मैं तो इस लौकी के इनको 500 की जगह 5000 देने के लिए तैयार थी, 20000 देने के लिए तैयार थी, तब भी इन्होंने मना कर दिया। 5000 और 20000 इस लौकी के? आप समझिए कि मुझे कितनी जरूरत में चाहिए। लेकिन मैडम एक बात बताओ, जरूरत तो मुझे भी है, अब 20000 देख के क्या अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर लूं मैं, बताओ। चलो भाई गोपाल चलता हूं मैं। अरे भैया सुनिए तो, 20000 नहीं तो कितने में देंगे, लेकिन मुझे यही लौकी चाहिए, आप बताइए कितने पैसे लेंगे। शिकार फंस रहा है, एक काम करता हूँ 50 बोल देता हूँ। ठीक है मैडम, शरीर फटे तो फटे कोई बात नहीं, अगर 50000 मिलेंगे तो मैं तैयार हूँ। 50000? इसके अंदर लौकी में जो क्रेडिट कार्ड है वो तो पूरे 5 लाख रुपए का है, और अगर 5 लाख रुपए के लिए 50000 रुपए भी चले जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं इनसे ये लौकी ले लेती हूँ 50000 में। हाँ ठीक है आप 50000 ले लीजिए मुझसे कैश, और आप ये लौकी मुझे दे दीजिए। मैडम आप सही कह रही हो ना, 50000 में ले रही हो ना इसे लोग? अरे हाँ हाँ ये लीजिए। एक मिनट मैडम, एक चीज ध्यान रख लेना, एक बार मैंने पैसे पकड़ लिए ना फिर वापस नहीं दूंगा किसी भी हाल में, ध्यान रख लेना। ठीक है भैया आप रख लीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। लो मैडम। अब इसे क्या पता कि इसके अंदर 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है। ठीक है भैया मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच। अरे ओई 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 कमाल हो गया। अरे साहब एक बात बताऊँ, इसी तरह मुर्गी को अगर हम अपना शिकार बनाते रहे तो एक दिन पोल्ट्री फार्म भी खुल जाएगा और अंडा का भी दुकान हो जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए कि सब्जी के दुकान के साथ साथ एक और दुकान बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने, अपना कमीशन पकड़ के हाथ में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ क्या बात है। अरे वाह यार आज तो मैंने एकदम बढ़िया दिमाग लगाया, जल्दी से इस क्रेडिट कार्ड को निकाल के देखती हूँ। अरे ये क्या, ये क्रेडिट कार्ड तो एक्सपायर है, मतलब कि उस सब्जी वाले ने मुझे बुद्धू बनाया। अरे ये क्या, अब तो मेरे हाथ से ये 5 लाख रुपए भी गए और मेरे 50000 रुपए भी, और वैसे भी उस आदमी ने तो ये कहा था कि वो एक बार पैसे लेने के बाद वापस भी नहीं करेगा। शिट यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई।